काफ़ी। हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री गणित एवं पर्यावरण अध्ययन कक्षा पाँचवीं के अंतर्गत खंड आ विषय गणित 2022-23 की वर्कशीट क्रमांक 38 घनाभ की अवधारणा को हल करेंगे। इसके पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चे देखें, इसमें वर्कशीट 38 घनाभ की अवधारणा देखें और समझें। मोनू और दीपू घर के बाहर खेल रहे थे। पड़ोस में एक मकान बन रहा था। मिस्त्री ईंट को जोड़कर मकान की दीवार बना रहा था। नीचे कुछ ईंट रखी हुई थी। मोनू और दीपू दीवार को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने एक ईंट उठाई और उसे ध्यान से देखा। ईंट का आकार इस प्रकार दिखाई दे रहा था। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग थी। देखो, ईंट का जो है डिजाइन, किनारे का जो है कोने के शीर्ष और सतह फलक, तो इस प्रकार से ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग थी। गणितीय भाषा में ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है घनाभ कहलाती है। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ईंट का उदाहरण इसके लिए बहुत अच्छा है। ईंट को आप देख लें तो उसको पहचान लें कि ये घनाभ की आकृति है जिसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग अलग, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो ये घनाभ कहलाती है। अब इसमें हम देखेंगे घनाभ में कुल 6 सतह फलक होती है। घनाभ में 8 कोने शीर्ष होते हैं। घनाभ में 12 किनारे होते हैं। ये आपको ध्यान रखने की बातें हैं। अब इसमें एक प्रश्न तैयार होता है, घनाभ के कितने शीर्ष या कोने होते हैं। कोने हम देखेंगे 8 कोने होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी वर्कशीट 38 घनाभ की अवधारणा, घनाभ को आपने बहुत अच्छे से समझा। इसके बाद देखेंगे हम वर्कशीट 39। वर्कशीट 39 में घनाभ पर आधारित प्रश्न है जिसको हमको हल करना है। बच्चों, इसमें देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, अपने परिवेश से कोई 5 घनाभकार वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। तो घनाभकार उदाहरण जो हमारे पास में एक पुस्तक, माचिस, जूते का डिब्बा, ईंट और कंपास, इन सब की जो है लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई जो है सब अलग अलग होती है, इसलिए घनाभ के ये उदाहरण बहुत अच्छे हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, माचिस की डिब्बी की सतह किस आकार की होती है। तो माचिस की डिब्बी की घनत्व जो है, सतह जो है घनाभ आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है, इसलिए क्योंकि हमने उदाहरण में देखा उसको कि जिसकी सतह जो है घनाभ, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, वो घनाभ तो है ही और सतह घनाभ आकार की होती है। इसके बाद प्रश्न तीन देखेंगे, ज्यामिति बॉक्स कंपास में कुल कितने किनारे होते हैं। तो कंपास का हम किनारा देखेंगे तो 12 किनारे होते हैं, ऐसा हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, टूथपेस्ट के डिब्बे में कुल कितने कोने होते हैं। तो टूथपेस्ट के जो डिब्बे होते हैं उसमें 8 कोने होते हैं। बच्चों, इस प्रकार से आप उसमें लिख देंगे। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं में से घनाभकार वस्तु छांटिए। घनाभ के आकार की वस्तु को हमको इसमें से छांटना है। वस्तु दी गई है पुस्तक, टीवी स्क्रीन, मोबाइल, माचिस, ब्लैक बोर्ड, डस्टर। अब देखिए आप इसमें जो है नंबर 1 पुस्तक, मोबाइल, माचिस और डस्टर, ये क्या है, घनाभ आकार की वस्तुएं हैं। इस प्रकार हमने छांट करके लिख लिए। तो बच्चों, आपने देखा इस वर्कशीट को हमने हल किया, और इसी प्रकार की वर्कशीट को और हल करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।